हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द गार्डनिंग जोन अगेन। कैसे आप सब लोग? तो आज की वीडियो का टॉपिक है रियो प्लांट। ये जो आप लोग देख रहे हैं सामने, इसी प्लांट का नाम है रियो प्लांट। सो ट्रेसेंसिया स्पेतेंसिया इज द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस प्लांट। इसके अलावा इसको रियो प्लांट, बोट लिली और ओस्टर प्लांट, इन सब नामों से भी जाना जाता है। तो अब थोड़ा सा इस प्लांट के बारे में पहले नॉर्मली हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये वाला प्लांट बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ग्रो और ईजी टू मेंटेन है। अगर आप लोग अपने घर में इसको लगाना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग इजी से इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो ये वाला एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी ब्यूटी मेनली इसकी लीव्स के कारण होती है, क्योंकि इसकी लीव्स का कलर ऊपर से एकदम प्योर ग्रीन और नीचे से एकदम प्योर पर्पल होता है। और बस यही कारण है कि ये चीज़ इसको जो है एक वेरीगेटेड लीव वाला प्लांट बना देती है। अगर फ्लावरिंग की इसके अंदर हम लोग बात करें तो जनवरी से मार्च के अंदर जो है इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं। एंड शेप ऑफ द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट इज लाइक अ बोट। आई थिंक दैट्स द रीजन दिस प्लांट इज ऑल्सो नोन एज बोट लिली। मेरे इस वाले प्लांट के अंदर फ्लावरिंग अभी तक नहीं हुई है। रियो प्लांट के अंदर ऐसा है सीन कि यह प्लांट जब मेच्योर हो जाता है, मतलब कि इसके मेच्योर प्लांट के अंदर ही फ्लावरिंग होती है और इसके फ्लावर का आकार जो है एकदम बोट के आकार जैसा होता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इस पिक में आप लोग देख रहे हैं। तो इसी तरह से ऐसे बोट के आकार का जो है इसके अंदर फ्लावर लगता है। ये वाला प्लांट इतना ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है कि आप लोग इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जब ये लेके आया था प्लांट तो इसके अंदर 2 से 3 प्लांट थे और अभी देखिए इसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है कि गिन भी नहीं सकते कि इसके अंदर कितने ज़्यादा प्लांट हैं। और इसके अलावा मैंने इसके और भी बहुत सारे पॉट्स बना लिए हैं और इसके अलावा मैंने बास्केट भी बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप लोगों को मैं वीडियो के एंड में मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसे ही प्लांट्स रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब तो अगर हम लोग इसकी सॉइल की बात करें तो इसको भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। सभी प्लांट की तरह इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। तो अगर आप लोग इसकी जब मिट्टी तैयार करते हो तो मैंने इसको बालू मिट्टी के अंदर लगाया है, ठीक है। तो बालू मिट्टी के अंदर मैंने 50% वो ली, 25% मैंने क्ले लिया, ठीक है, और उसके अलावा 25% मैंने इसके अंदर मैन्योर डाला। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप लोग प्लांट लगाते हैं तो उसकी मिट्टी अगर आप लोग पहले ही एक बारी में अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आगे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है और आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता रहता है, फिर चाहे कंडीशन कैसी भी हो। प्लांट को आप लोग पॉट में लगाने से पहले आप लोग अपने पॉट के अंदर छेद ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जल निकास अच्छे से होता रहे। ये वाली चीज़ हम लोगों को नॉर्मली ऐसे डेली रूटीन के अंदर जो है समझ में नहीं आती है, पर जब बारिश होती है उस टाइम पर इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और इसकी जड़ों के अंदर जो है वो एकदम से खड़ा रहता है, तब जड़ों को ख़राब करने लगता है, तब उसका जो है महत्व हम लोगों को समझ में आता है। तो पहले ही हम लोग अगर पॉट के अंदर छेद कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैन्योर की अगर हम लोग बात करें तो मैन्योर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैंने 25% इसके अंदर यूज किया है और मैंने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया था। मैन्योर के अंदर अगर आप लोग ऑप्शन देखें तो आप लोग इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर आप लोग गोबर की खाद भी डाल सकते हैं और किचन कंपोस्ट भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। चाहे तो जो भी हो आप इसके अंदर मैन्योर ये सब डाल सकते हैं। लोकेशन की अगर हम लोग बात करें इस प्लांट के अंदर, तो इस प्लांट को हाफ डे सन चाहिए। आप लोग इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे आधे दिन धूप आती हो और आधे दिन छाया रहे। एकदम से अगर आप लोग इसको पूरे ही छाया के अंदर रख देंगे तो इसकी ब्रांचेस जो है लंबी लंबी बढ़ने लग जाएगी एकदम से, और एकदम से आपका प्लांट पतला पतला हो जाएगा और एंड में मर जाएगा आपका प्लांट। तो इसको हाफ डे सन चाहिए, और फुल डे सन के अंदर आप इसको रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी थोड़ी सी देखिए बर्न होना स्टार्ट हो गई है, पर इसको हाफ डे सन में रखिए तो ये बेटर रहेगा। पॉट की अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो इसको इतना कुछ ज़्यादा बड़ा पॉट चाहिए नहीं, छोटे पॉट के अंदर भी बहुत ही इजीली ग्रो करेगा ये प्लांट। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना है ये पॉट, और इस प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा अच्छे से हो रही है। अगर ऊपर से देखें तो पॉट दिखाई भी नहीं देता है। तो हाँ, आप लोग छोटे पॉट के अंदर भी आप लोग इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब मेन चीज़ की बात करते हैं इसके अंदर, वो है प्रोपगेशन। तो कि प्रोपगेशन इसके अंदर कैसे करें, तो प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है इसके अंदर। इसके जो ये प्लांट चारों तरफ से निकल के रहते हैं, आप लोग कोई भी इसको तोड़िए और अपने पॉट के अंदर लगा दीजिए, और मैं अभी आप लोगों को इसका जो है प्रोपगेशन करके भी दिखाऊँगा। ये देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, जैसे कि ये वाला है प्लांट, ये देखिए आप लोग, तो ये वाला मैं यहाँ से तोड़ के इसको मैं लगा सकता हूँ।
तो चलिए इसका प्रोपगेशन करते हैं अभी। एक मैंने इसका प्लांट लिया है और ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर प्लांट निकलते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट जो आप लोग देख सकते हैं ये साइड में से इस तरह से इसमें से प्लांट निकलते हैं। और एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसके अंदर रूट नहीं है एक भी, पर फिर भी ये वाला प्लांट बहुत ही ईजीली लग जाएगा। तो अभी इसको ट्रांसप्लांट करते हैं पॉट के अंदर। तो मेरे पास में अभी एक नर्सरी पॉट है और इसके अंदर हम लोग इसको लगाएंगे। और इसकी मिट्टी जो है एकदम से वैसे ही रेडी की है मैंने, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो काम कैसे करती है मिट्टी वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। बालू मिट्टी जो है वो इसके अंदर ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा कर देती है, और जो क्ले होती है चिकनी मिट्टी होती है वो इसको पानी को जो है थाम के रखती है, मतलब कि इतना जल्दी जो है इसका वाष्पीकरण नहीं होने देती है, तो वो चीज़ सही है। और मैंने और आप लोगों को पता ही है कि वो प्लांट को न्यूट्रिशन देता है। तो चलिए अब इस प्लांट को हम लोग इसमें लगाते हैं। फाइनली हमारा रियो प्लांट जो है लग चुका है और प्रोपोगेट हो चुका है अच्छे से। अब ये जो है बहुत ही एकदम इसकी तरह जो है एकदम अच्छे से जो है कवर कर लेगा इस पॉट को कुछ ही दिनों के अंदर, और मैं आपको आगे भी इसकी जो है अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए अब रियो प्लांट की और भी जो मेरे पास में पॉट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये वाले दो पॉट और है मेरे पास में रियो के, और इसके बीच में मैंने जो है पर्पल हार्ट को रख के रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ये मिट्टी का कलश है मेरे पास में जिसके अंदर मैंने लगाया है रियो को, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इसके अंदर। ये एक छोटा सा नर्सरी पॉट है जिसके अंदर लगाया हुआ है। ये ख़राब हो गया था प्लांट, फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा काम किया और ये फिर से रीग्रो होना स्टार्ट हो गया है। और ये वाली वो बास्केट है रियो प्लांट की, और देख सकते हैं आप लोग कि बास्केट के अंदर भी ये वाला प्लांट कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा इस बास्केट के अंदर मैंने एक नया प्लांट लगाया है ग्रो होने के लिए, और एक प्लांट इस बास्केट के अंदर लगाया है मैंने, छोटे से पॉट के अंदर भी मैंने लगाया है इसको, और इसके अलावा मैंने इसको एक बड़े पॉट के अंदर भी अभी लगाया है। तो थोड़ा ही टाइम में इन सब की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी अपडेट मैं एक वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को दूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वाले ग्रो कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होपफुली आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आप लोग अप्लाई करेंगे अपने प्लांट के ऊपर तो ये वर्क भी करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए मुझे कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ग्रीनरी एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।